हेलो दोस्तों, नमस्कार। नाइस कंप्यूटर के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। यदि हमारे चैनल पर आप पहली बार विजिट करें तो सब्सक्राइब कर लें और लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें ताकि हमसे जुड़ी हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक मिलता रहे। आज विभिन्न समाचार पत्रों में जो दी गई सूचनाएं हैं रोजगार शिक्षा से जुड़ी हुई है। सबसे पहली सूचना दी गई है कि कनिष्ठ सहायक के 1262 पदों पर चयन के लिए कटऑफ जारी कर दिया गया। अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने विभिन्न विभागों में कनिष्ठ सहायक के कुल 1262 पदों पर चयन के लिए कटऑफ जारी कर दिया है। आयोग की ओर से इन पदों के लिए पीईटी 2021 के आधार पर दिसंबर 2022 में आवेदन लिए गए थे। इसके आधार पर मुख्य परीक्षा के लिए योग्य अभ्यर्थियों की कटऑफ जारी कर दी गई है। इसकी विस्तृत जानकारी आयोग की वेबसाइट पर अपलोड कर दी गई है। इसमें आवेदन हुए थे 2021 के माध्यम से भर्ती आई थी, तो 1262 पदों के लिए कटऑफ जारी कर दिया गया है। अगली सूचना दी गई कि पॉलिटेक्निक संस्थाओं में प्रवेश के लिए आवेदन का आज अंतिम दिन है। राजकीय एडेड व निजी पॉलिटेक्निक संस्थाओं में दाखिले के लिए शासन ने ऑनलाइन आवेदन करने की तिथि 2 दिन और बढ़ा दी है। अभ्यर्थी अब 14 जुलाई की रात 12 बजे तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा किसी और माध्यम से आवेदन नहीं लिए जाएंगे। पॉलिटेक्निक संस्थानों में दाखिले के लिए लगभग 2 माह से आवेदन की प्रक्रिया चल रही है। 2.25 लाख सीटों के सापेक्ष 3.25 लाख आवेदन हुए हैं। अब 26 जुलाई से प्रवेश परीक्षा होगी। 16 जुलाई से प्रवेश पत्र जारी किए जाएंगे। जैसा कि इसमें बताया गया है, संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद सचिव एसके श्रीवास्तव ने बताया कि अभ्यर्थियों की मांग पर आवेदन करने के लिए और 2 दिन 13 व 14 जुलाई को मौका दिया गया है। उन्होंने बताया कि अभ्यर्थियों को प्रवेश पत्र डाउनलोड करने के समय अपना आधार नंबर और प्रवेश के लिए कॉलेज की वरीयता भी देनी होगी। इस जानकारी के बिना प्रवेश पत्र डाउनलोड नहीं होगा। तो ये इसमें दी गई सूचनाएं जो पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा से जुड़ी हुई है। अगली सूचना है कि लेखपाल भर्ती परीक्षा की ओएमआर सीट देने पर निर्णय ले आयोग। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को लेखपाल भर्ती परीक्षा में अन्य पिछड़ा वर्ग के परीक्षार्थियों की ओएमआर सीट की मांग वाले प्रत्यावेदन पर 2 महीने में निर्णय लेने का आदेश दिया है। यह आदेश न्यायमूर्ति सलील कुमार राय ने याची भू प्रकाश की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया है। याची के अधिवक्ता का कहना था कि याची ने ओबीसी अभ्यर्थी के रूप में अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा विज्ञापित लेखपाल भर्ती के लिए आवेदन किया था। अभ्यर्थी ने परीक्षा में भाग लिया था। ओएमआर सीट पर हुई परीक्षा का प्राप्तांक आयोग ने सार्वजनिक नहीं किया। स्वयं मूल्यांकन के आधार पर अभ्यर्थी का दावा है कि उसने 82 अंक अर्जित किए हैं, जबकि ओबीसी श्रेणी की कटाप 75.75 घोषित की गई है। फिर भी अभ्यर्थी को चयनित घोषित नहीं किया गया है। तो ये जो है इसमें जानकारी दी। अगली सूचना है कि CUT UG के नतीजे 17 जुलाई तक घोषित हो जाएंगे। स्नातक में प्रवेश के लिए कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट CUET UG के नतीजे 17 जुलाई तक घोषित किए जाएंगे। हालांकि पहले 15 जुलाई तक नतीजे आने की उम्मीद की जा रही थी, लेकिन विश्वविद्यालय अनुदान आयोग UGC अध्यक्ष जगदीश कुमार ने बृहस्पतिवार को बताया कि इसके नतीजे आने के बाद देश भर की 200 से अधिक यूनिवर्सिटीज में स्नातक प्रवेश प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। तो ये जो आपके इसमें रिजल्ट है CUET के 17 जुलाई तक आने की उम्मीद इसे बताई गई है। अगली सूचना दी गई है जो आपकी ये कि कार्यालय संयुक्त आयुक्त एवं संयुक्त निबंधक सहकारिता लखनऊ मंडल लखनऊ द्वितीय तल PCF बिल्डिंग 32 स्टेशन रोड लखनऊ से भर्ती निकल कर आई है कि जो बहुउद्देशीय प्राथमिक ग्रामीण सहकारी समिति BPACS प्रारंभिक कृषि सहकारी ऋण समितियों में सचिव के रिक्त पदों पर BPACS कर्मचारियों से भर्ती किए जाने हेतु चयन समिति ने ये भर्तियां जारी की है। जैसा कि इसमें बताया गया है कि लखनऊ मंडल से ये नौकरियां निकली हैं। आवेदन पत्र जो आपके हैं ये ऑफलाइन होने वाले हैं। आवेदन पत्र इसमें जो बताया गया है कि 16 अगस्त 2023 5:30 बजे तक आप जमा कर सकते हैं। इसमें आयु जो बताई गई, आयु की गणना 1 जनवरी 2023 को न्यूनतम आयु 21 वर्ष तथा अधिकतम आयु सीमा इसमें कोई नहीं बताई गई है। इसमें इसी तरीके जो भर्तियां निकल कर आई हैं इसमें बताया गया है कि उन्नाव के लिए हैं, अनारक्षित 20, अनुसूचित जाति 14 पोस्टें हैं, जनजाति की 1 है और अन्य पिछड़ा वर्ग 13 है। इसी तरीके से आर्थिक कमजोर 5 है। टोटल 53 इसमें जगह बताई गई है उन्नाव से जो है। रायबरेली से 80 पदों पर भर्तियां हैं, लखनऊ से 20 हैं और लखीमपुर खीरी से 23 पदों पर भर्तियां होने वाली है। तो इच्छुक अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं। आज समाचार पत्र में इसकी विज्ञप्ति जारी की गई है जहां से आप देख पा रहे हैं। आवेदन शुल्क की बात करते हैं तो 200 रुपये इसमें बताया गया था। इसमें अनुसूचित जाति जनजाति तथा शारीरिक रूप से विकलांग अभ्यर्थियों के लिए 200 रुपये है तथा अन्य अभ्यर्थियों के लिए आवेदन शुल्क 500 रुपये रखा गया। यहाँ से अब रजिस्टर्ड डाक के द्वारा आप इसको भेज सकते हैं। तो यहाँ पर ये जानकारियां दी गई हैं। इच्छुक अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं। दोस्तों ये था वीडियो जो रोजगार शिक्षा से जुड़ी हुई इसमें जानकारियां थी। वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक कर लें, यदि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें ताकि हमसे जुड़ी हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सरलतापूर्वक मिलता रहे। आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में नई सूचना के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।